एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए यहाँ पे टॉपिक में ही बताया गया है कि हमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करनी है जिनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है बायो कंट्रोल, इसका मतलब जान लीजिए। बायो कंट्रोल का मतलब क्या है? देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल हम किस चीज का करना चाहते हैं? देखिए अगर आप जानते हो तो जब भी कोई पर्सन एग्रीकल्चर करेगा तो वहां पे कुछ समस्याएं हैं जो उसे अफेक्ट कर सकती हैं। अब उन समस्याओं में सबसे मेजर समस्या है बेटा इंसेक्ट पेस्ट का होना। इंसेक्ट पेस्ट का होना, ये इंसेक्ट पेस्ट वो एजेंट्स हैं जो क्या करेंगे, क्रॉप यील्ड को कम कर देते हैं, जो यील्ड को घटा देंगे, जो पैदावार को कम कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए जनरली फार्मर्स क्या करते हैं बेटा, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को यूज़ करने से क्या नुकसान है? भाई आप तो कहोगे कि बिल्कुल सही तरीका है, पेस्ट है, पेस्ट को ख़त्म करना है, पेस्टिसाइड डालेंगे नहीं तब तक पेस्ट कैसे खत्म होगा। तो देखिए पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने से दो मेजर लॉस हैं। सबसे पहला मेजर लॉस तो यहाँ पे ये है कि जो भी इंसेक्ट आपकी क्रॉप को हार्म कर रहा है, चलिए उसे मारना वाजिब है, उसे मार रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी तो हैं जो पॉलिनेटर्स हैं, जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स हैं, जिनका कोई भी उस उनको अगर मारते हैं तो उनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो आपके फूड चेन को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिमेरिट इन केमिकल पेस्टिसाइड के साथ ये है कि ये हार्म करेगा या किल करेगा इनको, जितने भी बेटा नॉन टारगेट इंसेक्ट हैं। नॉन टारगेट इंसेक्ट्स कौन होते हैं? जो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, जो पॉलिनेटर्स हैं उनको हार्म कर रहे हैं, जिससे क्या होगा बेटा, फूड चेन इफेक्ट हो सकती है, फूड चेन इफेक्ट हो सकती है। दूसरा इससे एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जिन क्रॉप्स में लगा रहे हो वहाँ पे सॉइल भी तो है, तो बार बार आप उसी सॉइल में उसे स्प्रे कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। और सॉइल पॉल्यूशन होने से क्या होगा, फाइनली उसी सॉइल में जो ग्रो की गई क्रॉप है उसे हार्वेस्ट करके खाएगा कौन? इंसान ही खाएंगे, तो उनको भी वो केमिकल अफेक्ट करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक क्या होगा बेटा, ये सॉइल पॉल्यूट करेगा या सॉइल को पॉल्यूशन कर देता है, सॉइल पॉल्यूशन करेगा। और सॉइल पॉल्यूशन के साथ साथ ये एक काम और करेगा, वो ये कि वहाँ पे ये बायोमैग्निफिकेशन करके, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि किसी केमिकल को इंट्रोड्यूस कराने के बाद उस केमिकल का जो सबसे हायर ट्रॉपिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म है फूड चेन में, उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करना, उसे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर सकता है, ये ह्यूमन की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन केमिकल्स पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की वजह से होगी। और उसके अलावा एग्रीकल्चर में एक तो इंसेक्ट पेस्ट हो गए, दूसरा एक और है बेटा जिनसे ज़्यादा नुकसान होता है,
वो है बेटा प्लांट पैथोजेंस। प्लांट पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या आप कह सकते हैं बैक्टीरियाज, जो क्या कर रहे हैं प्लांट को अफेक्ट करके उसकी ईल्ड को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसकी ईल्ड को कम कर रहे हैं। मेरी बात समझिएगा आप। तो यहाँ पे इन सब से हमें अपनी क्रॉप को बचाना है, और बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या बैक्टीरीसाइड, मतलब बैक्टीरीसाइड्स वो होते हैं जो बैक्टीरियाज को किल करते हों। अब वो भी बेसिकली सिंथेटिक केमिकल्स हैं जिन या टॉक्सिन्स हैं जिनसे उन्हें हम मारते हैं। तो यहाँ पे तरीके बहुत सारे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें बायोलॉजिकली इस चीज़ को रिजॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को। और बायोलॉजिकली रिजॉल्व करने के लिए, बायोलॉजिकली हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। उन तरीकों में सबसे पहला मेथड है बेटा कि हम लेडी बर्ड बीटल या लेडी बग को इस्तेमाल करें। इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करें, लेडी बग बीटल का इस्तेमाल करें। लेडी बग या लेडी बर्ड आप कह सकते हैं, लेडी बर्ड का। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, जो नेचुरल एनिमीज़ हैं इस एनवायरनमेंट में, जो नेचुरल एनिमीज़ हैं, हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं। मतलब हम फूड चेन को फॉलो करेंगे, जो हायर ट्रॉपिक लेवल वाला है प्रेडेटर और जो लोअर ट्रॉपिक लेवल वाला है प्रे, हम उन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। क्या इस्तेमाल करने वाले हैं कि जो लेडी बग बीटल है या लेडी बर्ड है, ये क्या करती है, ये एक प्रेडेटर है, ये एक प्रेडेटर है, ठीक है जी। और बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे एफिड्स जो क्रॉप को हार्म कर रहे हैं, या कैटरपिलर्स, ठीक है जी, इनको अपना प्रे बनाएंगी और इन्हें अपना प्रे बना के इन्हें एक्चुअल में वो ख़त्म कर देंगी। तो आपने देखी, किसी भी केमिकल को इस्तेमाल नहीं किया आपने, बाहर से किसी केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आपने यहाँ पे उन इंसेक्ट्स को ख़त्म कर दिया। अब उनको ख़त्म कर दिया किस तरीके से, आपने केवल फूड चेन की छोटी सी इंफॉर्मेशन रख के कि भाई फूड चेन में ये प्रेडेटर है, ये प्रे है। अब आपने बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना किसी चीज़ को अफेक्ट किए, बिना फूड चेन को डिस्टर्ब किए, आपने उस काम को कर दिया। तो देखिए, आपके इंसेक्ट पेस्ट भी ख़त्म हो गए, ठीक है, ये इंसेक्ट पेस्ट भी ख़त्म हो गए, और दूसरा वहाँ पे किसी तरीके का हैजार्ड नहीं हुआ, कोई सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हुआ, वहाँ कोई नॉन टारगेटेड इंसेक्ट नहीं मरा, केवल वही टारगेटेड इंसेक्ट जिनको ये अपने प्रे बनाएंगी उनको इन्होंने मार दिया, पॉलिनेटर्स अफेक्ट नहीं हुए, ठीक है। इसको आप कैसे समझेंगे, तो देखिए डायग्राम के थ्रू इस बात को समझिएगा बेटा। एक डायग्राम है, डायग्राम से आप समझिएगा। देखिए देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये है लेडी बग या लेडी बर्ड बीटल, और ये छोटे छोटे ये सब इंसेक्ट्स हैं। ये सब इस प्लांट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, लेडी बग बीटल वो इन्हें खा जाएगा। इन्हें खाने से क्या होगा कि एक तो ये इसकी जो है ये फूड है इसके लिए, और हमारा क्या इसमें पर्पस सॉल्व हो रहा है, हमारा पर्पस ये सॉल्व हो रहा है कि हमें इन सारे पेस्ट से निजात मिल रही है, इन सारे पेस्ट से हमें निजात मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, ये कुछ और पेस्ट हैं, ठीक है, इनको ये लेडी बग अपना फूड बना रही है। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरली फूड चेन को फॉलो करते हुए इंसेक्ट पेस्ट से अपने खेती को फ्री बना सकते हैं। सॉरी, तो
बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो रही बात इसकी सबसे पहले मेथड की। हालांकि यहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है लेडीबग का। ठीक है, और इनसे हमने किसको ख़त्म करवाया, पेस्ट को ख़त्म करवाया। अब इसी तरीके से एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसे भी ध्यान से समझिएगा। देखिए सेकेंड तरीका है कि हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें। देखिए ये तो थे इंसेक्ट, जिन्हें हमने इस्तेमाल किया है वो सब थे इंसेक्ट। अब हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए, वो है क्या, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अब ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये क्या करता है, अपने एक लाइफ के ड्यूरेशन में कुछ क्रिस्टल प्रोटीन्स को बनाता है, कुछ क्रिस्टल प्रोटीन को बनाता है। और ये जो क्रिस्टल प्रोटीन होती हैं, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स होती हैं, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होती हैं। मेरी बात समझिएगा, ये क्या है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होती हैं। और ये क्रिस्टल प्रोटीन को हम पहले तीन वर्ड ले लें तो ये क्राई प्रोटीन कहलाती हैं, जो कि इनएक्टिव थी। ठीक है, और ये ड्राई स्पोर की फॉर्म में होती हैं, ये ड्राई स्पोर की फॉर्म में होती हैं। तो क्या किया जाता है, इन्हीं ड्राई स्पोर्स को या तो सॉल्यूशंस में या सैशेट्स में या पाउचेस में इन्हें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवा के जो है फार्मर्स, जो भी प्रोडक्शन कंपनी है बनाएगी और इसे फार्मर खरीद लेते हैं। और ख़रीदने के बाद में क्या करेंगे बेटा, इसको स्प्रे कर देंगे उस प्लांट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, या जो प्लांट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इंसेक्ट पेस्ट से। तो सपोज़ आपने यहाँ पे एक प्लांट था, ठीक है, आपने एक प्लांट था उसके ऊपर एक लीव थी जिसके ऊपर बहुत सारे पेस्ट लगे हुए थे। आपने वहाँ पे क्या किया, आपने ड्राई स्पोर्स को वहाँ पे स्प्रे कर दिया, ठीक है, स्प्रे कर दिया। अब कोई कैटरपिलर उन्हें खाना चाह रहा है या कोई एक इंसेक्ट है जो उसे लीव को खाने आया, तो लीव के ऊपर वो क्रिस्टल प्रोटीन भी है, ध्यान रखना मेरी बात। वहाँ पे उस इंसेक्ट ने उस लीव को खाना चाहा, लेकिन लीव के ऊपर वो क्रिस्टल प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही उसने लीव को खाया, मतलब उसने क्रिस्टल प्रोटीन को भी खा लिया। और जैसे ही उसने क्रिस्टल प्रोटीन को खा लिया तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन क्राई प्रोटीन को या इन ड्राई स्पोर्स को आपने क्या कर दिया, आपने इन्हें स्प्रे कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इनको आपने स्प्रे कर दिया इसके ऊपर जो प्लांट ज़्यादा वल्नरेबल था इंसेक्ट पेस्ट अटैक से। ठीक है, आपने उस वल्नरेबल प्लांट के ऊपर उसे स्प्रे कर दिया। अब वहाँ पे क्या है, उस प्लांट के ऊपर वो अब ड्राई स्पोर्स प्रेजेंट है। अब उस प्लांट को के ऊपर जैसे ही कोई पेस्ट फीड करेगा, तो उस प्लांट के साथ साथ आपको पता है क्या है, वो ड्राई स्पोर्स हैं या वो क्राई प्रोटीन है। ठीक है, जो कभी इनएक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में थी, जो कभी इनएक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही पेस्ट उसे खाएगा, पेस्ट ने उसे क्या किया, इंजेस्ट किया, तो उस पेस्ट के इंजेस्ट करने के बाद में, उस पेस्ट के इंजेस्ट करने के बाद में उसके इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन मीडियम होगा, और उस अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन था जो उसने खाया, वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होके क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट होके वो बाइंड कर जाएगा उसकी गट एपिथीलियल लाइनिंग से।
और वहाँ पे बाइंड करने के बाद में, दैट एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर बाइंड करने के बाद में वहाँ पे वो धीरे धीरे पोर क्रिएशन कर देगा। पोर क्रिएशन होने के बाद में उसके गट में उसकी जो स्टमक है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी और वो लाइसिस होके ख़त्म हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और लाइसिस होके वो इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे क्या किया जा सकता है, इंसेक्ट पेस्ट को मार दिया जा सकता है। अब आप देखिए, जो इंसेक्ट उस प्लांट को खाने आ रहा है केवल वही इंसेक्ट इससे मरेगा, बाकी कोई नॉन टारगेटेड इंसेक्ट जो उस प्लांट को हार्म नहीं पहुंचा रहा उसको इस बीटी से या इस क्रिस्टल प्रोटीन से कोई हार्म नहीं है, इससे कोई हार्म उसे नहीं पहुंचने वाली। और ये एनिमल्स के लिए भी हार्मलेस है। रीज़न क्या है, हमारे गट में या एनिमल्स के गट में एसिडिक मीडियम होता है, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इस डायग्राम से समझिएगा इस बात को बेटा, इस डायग्राम को आप इस बात से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि डायग्राम तो बहुत सारे हैं, इसमें से एक अच्छा डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूं जिससे आपको बिल्कुल ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पे ये डायग्राम आप समझिएगा, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है और इजी भी है। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया है कि ये कैटरपिलर था, इसने इस लीव के ऊपर फीड किया, तो जब उसने इंजेक्शन किया लीव को तो साथ में क्या हुआ, उसके साथ में वो जो क्रिस्टल प्रोटीन एक्टिव टॉक्सिन है वो उसने इंजेस्ट कर लिया। इंजेस्ट करने के बाद में वो क्रिस्टल प्रोटीन उसके गट में जाके जो अल्कलाइन पीएच था उसमें वो प्रोटॉक्सिन क्या हुआ, वो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बन गया। ठीक है, वो प्रोटॉक्सिन क्या हुआ, एक्टिवेटेड टॉक्सिन बन गया। और एक्टिवेटेड टॉक्सिन बनने के बाद में उसके गट में उस टॉक्सिन के लिए रिसेप्टर्स थे, उस पर उसने बाइंड किया और वहाँ पे पोर फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। पोर फॉर्मेशन होने के बाद में इसके जो गट वॉल है वहाँ पे परफोरेशन हो जाएगी, परफोरेशन हो जाएगी, है ना, और उसके बाद लेटर ऑन उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो आप देखिए कितने आसानी से आपने केवल उन टारगेटेड इंसेक्ट को मार डाला जो आपकी क्रॉप को हार्म कर रहे थे, आपने किसी नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को बिल्कुल भी हार्म नहीं किया। तो ये तरीका होता है क्या, जिससे हम लोग बैसिलस थुरिंजिनेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करने के लिए बेटा, हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं उन पेस्ट को मारने के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से एक तरीका है तीसरा, जो प्लांट पैथोजन को, देखो अभी तक हम लोगों ने एक तो लेडीबग बीटल को इस्तेमाल किया था दूसरे इंसेक्ट को मारने के लिए, दूसरा हमने एक बैक्टीरिया बेसिलस थुरिंजिनेसिस को यूज़ किया था, बीटी को यूज़ किया था किसके लिए, और इंसेक्ट पेस्ट को, कैटरपिलर्स को मारने के लिए। अब हम लोग तीसरा तरीका यूज़ कर रहे हैं क्या, बैक्यूलोवायरसेस को, वो भी इंसेक्ट को टारगेट करेगा। तो थर्ड वे है यहाँ पे जिसे मैं कह रहा हूँ बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस। इसके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जीनस बताइए बैक्यूलोवायरस का, तो सबसे पहले आप इसको जीनस को याद रखिएगा, इसका जीनस होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो इस जीनस से ये वायरस बिलोंग करता है और ये बेसिकली क्या करता है, ये भी टारगेट करता है बेटा, इट टारगेट्स इंसेक्ट पेस्ट, ये इंसेक्ट पेस्ट को क्या करेगा, टारगेट करने का काम करता है।
या ऑर्थ्रोपोड को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी क्या करेगा, उनको हार्म पहुंचाएगा, उन्हें ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। इसी तरीके से एक तरीका है सबसे लास्ट, जो आप बैक्टीरियल पैथोजेंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि इनको प्लांट पैथोजेंस को, इंसेक्ट्स को नहीं। इंसेक्ट के लिए तीन मेथड पड़ चुके हैं, बैक्यूलोवायरस, बैसिलस थुरिंजिनेसिस और लेडीबग या लेडीबर्ड बीटल। चौथा तरीका है ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा क्या होता है, ट्राइकोडर्मा बेसिकली एक फंगस है बेटा, है ना। तो इसको क्या किया जाता है, इस ट्राइकोडर्मा को जो भी प्लांट अफेक्टेड है या प्रोन है कि वो अफेक्ट हो सकता है किसी बैक्टीरिया से या किसी रूट पैथोजन से, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्राइकोडर्मा को उसके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन बाय एनी प्लांट पैथोजन, ये किसी प्लांट पैथोजन द्वारा या किसी रूट पैथोजन द्वारा, पैथोजन मतलब कौन, बैक्टीरिया, उनको नहीं होने देगा, उनसे बचा लेगा ये। तो ये चारों मेथड हम लोगों ने बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए, बिना किसी केमिकल को इस्तेमाल करे, हमने नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया है और प्लांट पैथोजेंस को ख़त्म कर डाला है, ठीक है। बेटा अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बायोगैस प्रोडक्शन या माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को, टॉपिक है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, ये हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोगैस का प्रोडक्शन करने में। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस या मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजेंस दो वर्ड से मिलके बना है, मिथेन जनरेटिंग, तो वो बैक्टीरिया जो मिथेन का जनरेशन कर सकते हैं उन्हें हम मिथेनोजन कहते हैं। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं, ये जितने भी रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स वो होते हैं जिनके स्टमक कंपाउंड होता है और उसके अंदर एक र्यूमन नाम का चैम्बर होता है। देखिए हम लोग के पास सिंपल स्टमक है, लेकिन जो कैटल्स हैं जैसे काऊ, बफेलो, शीप, ये सब लोग जो भी हाई सेलुलोज फूड खाते हैं, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज होता है, उन सब के पास में उनके स्टमक में एक स्पेशल चैम्बर होता है जिसे र्यूमन कहते हैं। तो र्यूमन जिनके पास भी है उन्हें हम र्यूमिनेंट कहेंगे, और र्यूमिनेंट्स कौन होते हैं, जैसे कैटल्स जैसे काऊ बफेलो। तो इनमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि इन सब रूमिनेंट्स के जो गट है या र्यूमन है वहाँ पे ये बैक्टीरियाज रहते हैं। ये वहाँ पे रह के करेंगे क्या, ये वहाँ पे सिम्बायोसिस में रहते हैं, ठीक है, ये सिम्बायोसिस में रहते हैं और ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, जो हाई सेलुलोज रिच फूड है उस सेलुलोज रिच फूड के डाइजेशन को करवाने में इनका रोल है, इनके सेलुलोज रिच फूड को डाइजेशन कराने में इनका मेजर रोल है। मतलब अगर ये रूमिनेंट्स उस फूड को डाइजेस्ट करवा पा रहे हैं तो ये इसलिए करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ये मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजन प्रेजेंट है। अगर इनके अंदर ये ना होते तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है सेलुलोज का, तो जब ये सेलुलोज का डाइजेशन ये मिथेनोजेंस करवा देते हैं, तो उसके बाद में जो इनका डंग होता है या इनका एक्सक्रीटा होता है, उस डंग या एक्सक्रीटा के अंदर, उस डंग या एक्सक्रीटा के अंदर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप, उसके अंदर आपको जो सेलुलोज है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं मिलता, वो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो वो जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड सेलुलोज है और साथ में बहुत सारे मिथेनोजेंस हैं, वो इसके डंग में प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके डंग को या एक्सक्रीटा को इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए। इसलिए कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे जो इनका डंग या एक्सक्रीटा है उसमें इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड सेलुलोज है। क्या है, इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड सेलुलोज है, और ये जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड सेलुलोज है इसको फर्दर कंप्लीटली डाइजेस्ट करवाया जाएगा, और कंप्लीटली डाइजेस्ट करवाने के बाद में वहां से मीथेन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं हम। मेरी बात समझिएगा, तो मैंने क्या बोला कि हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी रूमिनेंट्स का एक्सक्रीटा था उसका इस्तेमाल करने वाले हैं क्या बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए। और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनके एक्सक्रीटा में आपको क्या मिलेगा, इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड सेलुलोज मिलेगा। जो सेलुलोज है वो इनके अंदर इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है, ठीक है, कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं होता है। उसका कम्प्लीट डाइजेशन तो कहाँ पे होगा, बायोगैस प्लांट के अंदर होगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बायोगैस को बनाने के लिए या गोबर गैस को बनाने के लिए बेटा बायोगैस प्लांट बनाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, बायोगैस प्लांट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बायोगैस प्लांट में क्या होगा, बायोगैस प्लांट में एक 10 टू 15 फीट का एक गड्ढा होगा या टैंक होगा जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, उसके ऊपर मूवेबल एक कवर होगा, एक तरफ से इनपुट होगा जिसमें डंग और वाटर को मिक्स करके भेज दिया जाता है डाइजेस्टर में, और डाइजेस्टर के अंदर डाइजेशन होकर मीथेन गैस का प्रोडक्शन होगा, और जो मूवेबल कवर है वो ऊपर उठ जाएगा जब भी गैस बन जाएगी, और जो स्पेंड हो जाएगा पार्ट, जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, वो स्पेंड स्लरी एक ओवरफ्लो टैंक में चली जाएगी, और वहाँ पे जो यूज्ड पार्ट है उसको एज मैन्योर या फर्टिलाइजर के तौर पे खेतों में लगाया जा सकता है। अच्छा, बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी जो हमारी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की होती है ICR की, जो बेसिकली विलेजर्स को या फार्मर्स को इनकरेज करती हैं ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, तो ध्यान रखना बायोगैस प्लांट लगाने के लिए एक तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है, और एक है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो क्या करती है वहाँ पर लोगों को जाके जागरूक करती है और इन इनिशिएटिव्स के बारे में उनको बताती है। अब बात कर लेते हैं कि बायोगैस प्लांट कैसा दिखता है, ठीक है, बायोगैस प्लांट को हम कैसे बना सकते हैं या कैसा दिखता है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे बायोगैस प्लांट की बात कर ले रहा हूँ। देखिए, ये एक बेटा बायोगैस प्लांट है, उसका आपको इमेज दिखाई गई है, ठीक है, बायोगैस प्लांट है, इसके अंदर आपको इसकी इमेज दिख जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एक मेन डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर टैंक, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक टैंक है, डाइजेस्टर टैंक, ये डाइजेस्टर टैंक है, ठीक है, इसके ऊपर एक मूवेबल स्लैब कवर लगाया हुआ है, ये ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू गैस प्रोडक्शन। दूसरा, यहाँ पे एक मिक्सिंग टैंक बनाया हुआ है जिसके अंदर वाटर और डंग को मिक्स करके इस डाइजेस्टर के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, डंग को और वाटर को मिक्स किया जाएगा, और मिक्स करके किसके अंदर भेज दिया जाएगा, इस डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाएगा।
अब डाइजेस्टर टैंक में क्या होगा, उस डंग में ऑलरेडी वो मिथेनोजन प्रेजेंट हैं, वो मिथेनोजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये मिथेनोजन्स क्या करेंगे, यहाँ पे उस सेमी डाइजेस्टेड सेलुलोज को जो उनके डंग में प्रेजेंट थी उसको डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करके कुछ गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे या बायोगैसेस बनाएंगे। अब क्या होगा, जो पार्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, जो स्पेंड हो जाएगा, तो वो आउटलेट चैम्बर में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये जो पार्ट है ये सब स्पेंड हो चुका है, स्पेंड स्लरी है, और ये जब भर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा ओवरफ्लो टैंक में। इसे यहाँ से निकाल के क्या एज मैन्योर खेतों में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपली जो पहले से ही प्रेजेंट बैक्टीरियाज थे उनके गट में, उन्हीं का इस्तेमाल करके एक एनर्जी सोर्स को तैयार कर लिया। अच्छा, इस मूवेबल कवर में एक एग्जिट पाइप भी दिया गया है। ये एग्जिट पाइप से क्या कर सकते हैं, इस गैस की सप्लाई को जहाँ पे भी आप ले जाना चाहें और जहाँ पे भी आप उसे फ्यूल के तौर पे या एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करना चाहें आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात बायोगैस प्रोडक्शन की।